हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पहली बात तो ये जान ले आपका मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ चुका है। तो आप सबके मन में आता होगा कि क्वेश्चन बैंक लूँ तो कौन सा लूँ, या क्वेश्चन बैंक लेने जाऊँ कौन सी बातों को ध्यान में रखूँ, या क्वेश्चन बैंक से क्या मैं 90+ लेकर आ सकता हूँ, या क्वेश्चन बैंक सिर्फ पढ़ कर क्या मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आएगा। वीडियो बहुत छोटा रहेगा, बट चैनल पर फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इस प्रकार से आने वाला वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, देखिए मुझे किसी भी क्वेश्चन बैंक से मतलब प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं जरूर लास्ट में बताऊँगा कौन ज़्यादा सही रहेगा। आप कुछ कोई भी ले सकते हैं, देखिए कोई क्वेश्चन बैंक खराब नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक ऐसा रहे जो पुराना रहे और उसमें आता रहे, मतलब कई सालों से पूछ रहे हो। तो देखिए, क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 90+ ला सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन बैंक से पढ़कर ला सकते हो, लेकिन उसमें भी कई चीज़ें रहते हैं। क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? केवल जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ रहे हो, तो ऐसा होगा तो और नहीं ला सकते। आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा, तो आप 90+ ला सकते हैं क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ के। देखिए, वह क्वेश्चन बैंक लें जिसमें लिखा हुआ समझ में आए, देखिए उसमें ठूस ठूस कर भरा हो तो ये बकवास है। ऐसा क्वेश्चन बैंक लें जिसमें आसानी के साथ इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन जो रहे, जो एग्जाम में पूछने का चांसेस बनता है या ना भी बनता है, जो भी वो रहे, कि नहीं बकवास देकर रख दिया, एक लिखा उसके हेडिंग के नीचे उसे कई पता नहीं क्या बकवास भर दिया, तो ये सब क्वेश्चन बैंक आप ना लें। और देखिए, तीसरा है, क्या क्वेश्चन बैंक ऐसा लें जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर दिया हो और प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हो उसमें 10 ईयर का कम से कम। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए दो तीन है, विद्या है, काका है, अवतार है, यूपी बोर्ड का बता रहा हूँ, आप किसी बोर्ड से अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। देखिए, मैं आपको सजेस्ट अगर करूँ तो अवतार लेने के लिए, ठीक, अगर इससे ये ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अगर इससे भी कम पढ़ेंगे तो काका लेना पड़ेगा आपको, ठीक, या तो अवतार ले लें या तो विद्या ले लें, ठीक, चाहे जो आप ले सकते हैं। अगर मैं जहाँ तक आपसे कहूँगा तो अवतार लेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक। अवतार में सब कुछ दिया गया है, अच्छी तरह से दिया गया है, और मैं बस इस वीडियो में इतना ही बताने वाला हूँ मैं, कि आप अवतार का ले लें और अवतार से पढ़कर आप 90+ फोड़ सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप ला सकते हैं, गेन कर सकते हैं, एग्जाम में फोड़ सकते हैं, अभी भी आपके पास चांस है। तो ऐसा मत कहना कि मेरे साथ कोरोना था, मेरे एग्जाम में कोरोना, मतलब जब एग्ज़ाम दे रहा था मैं उस समय 2020 में कोरोना था, इसलिए मेरा स्कूल नहीं खुला था, पढ़ाई नहीं हो पाया था, तो ऐसे बहाना करोगे तो बहाना आपके मार्कशीट कोई नहीं देखेगा। तो मैं क्लास टेंथ का ज़बरदस्त तैयारी और ट्वेल्थ का करा रहा हूँ, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का ज़बरदस्त तैयारी करा रहा हूँ। और इसी चैनल पर क्लास टेंथ के लिए अक्टूबर से फिर से एक पार्ट से स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।